सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर। रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या खबर है और इसका इंपैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर कल के दिन देखने को मिलेगा, बिकॉज ये मार्केट क्लोजिंग के बाद न्यूज आई है, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में आप लोग देखोगे स्टॉक मार्केट में एक और बड़ा बयान एक बड़े पॉलिटिकल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है अभी आप लोग चर्चा में आ गया है और उसका इम्पैक्ट हमें जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा। और बाजार के ऊपर आज रहा भी है भाई, आप लोग मिड कैप इंडेक्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमें रिकवरी बनते हुए नजर आई है। वहीं आप लोग देखोगे जो निफ्टी है उसमें भी थोड़ी बहुत रिकवरी बनी है, इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद क्लोजिंग जो हुई है वो पॉजिटिव हुई है, ये सबसे अच्छी बात है। तो किसने बयान दिया है, क्या बयान दिया मार्केट को लेकर, आई थिंक नहीं पता है तो जानेंगे। और साथ में क्या खबर आई है और इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। आज 2% जरूर टूटा है लेकिन परेशान नहीं होना है, पीएसयू स्टॉक्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले आपको बता देते हैं आखिरकार बयान क्या है। तो बयान जो है 4 जून से पहले खरीदें, अमित शाह की तरफ से आप लोग देखो एक बड़ी बात बोल दी, एक बड़ा बयान आ गया है भाई। अमित शाह कहते हैं कि स्टॉक खरीदें, क्या कहते हैं शेयर बाजार निवेशक है इसको लेकर, आप लोग जो विश्लेषक है वो क्या कहते हैं, निवेशक क्या कहते हैं। नोमोरा इंडिया ने 2024 के आम चुनावों में भाजपा की जीत का सुझाव देने के लिए हालिया जनमत सर्वेक्षणों का आप लोग देखोगे हवाला दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी फिर से बहुमत से जो ना भी सरकार बनाएगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। ये नोमुरा की तरफ से बयान आया है। अगले 5 वर्षों के लिए सुधार एजेंडा के संदर्भ में नोमुरा बुनियादी ढांचे के खर्च और जो विनिर्माण पर जोर देने का जो है उसका नियंत्रण है वो ध्यान केंद्रित कर रहा है। ऐसे में आप लोग देखो अमित शाह ने क्या कहा है। आज आप लोग देखोगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक मीडिया चैनल से आप लोगों ने कहा कि किसी भी शेयर बाजार की हालिया गतिविधियों का 2024 के आम चुनावों से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शेयर निवेशकों को लोकसभा चुनाव परिणाम की तारीख 4 जून से पहले खरीदारी करने की सलाह दी है, जो कि घरेलू बाजार की उम्मीद है आगे चलकर शेयर बाजार में उछाल आएगा, ठीक है। इन्होंने बोल दिया है कि शेयर बाजार को लेकर चिंता का जो ना भी कारण मत बनाइए, बाजार में जो अभी टाइम दबाव है ना भाई ये इलेक्शंस के करके, इन्होंने क्लियर बोल दिया है जब भी जो हालिया आप लोग जो गवर्नमेंट है स्टेबल गवर्नमेंट है वो फिर से आएगी, जब कभी भी देख लेना आती है या फिर आएगी तो उस कंडीशन में बाजार फिर से उछलेंगे, ये मौका है 4 जून से पहले। ये अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान आया है शेयर मार्केट को लेकर, ठीक है। और जैसे ये न्यूज़ आई है उसके बाद आप लोगों का माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैं शेयर बाजार की चाल का अनुमान नहीं लगा सकता, इनका ये कहना है, लेकिन आमतौर पर जब भी केंद्र में एक स्थिर आप जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो बनती है तो आप लोग देखोगे बाजार में तेजी देखी जाती है। मुझे $400 से अधिक सीटें आप लोग जीतने एक स्थिर मोकदी सरकार को जो नबी आने और इस बार बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, शाह ने NDTV को बताया। अभी शाह ने बोला है कि अब की बार फिर जो 400 सीट्स हैं वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, डॉलर भी है भाई गलती से प्रिंट हुआ है, तो 400 सीट देखने को मिल रही है। और NDA गवर्नमेंट जो वो या फिर BJP गवर्नमेंट ये सरकार फिर से बना रही है, स्थिर गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये फिर से आएगी और ऐसे माहौल में मार्केट में तेजी बनती है, ये अमित शाह जी का कहना है। तो इसके बाद आप लोग देखोगे मार्केट में थोड़ा सा माहौल ठीक बना अभी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अभी आखिरकार कंपनी की रिगार्डिंग क्या न्यूज़ आई है। तो यहाँ पर आप लोग देखो अभी एक नोटिस पब्लिश किया गया है कंपनी की तरफ से 13/5/2024 मार्केट क्लोजिंग के बाद। और यहाँ पर कंपनी ने बताया कि इसको एक और साउथ ईस्टर्न रेलवे से आप लोग देखोगे एक और जो ऑर्डर है वो मिल गया है, ठीक है, जी हाँ, एक और ऑर्डर कंपनी को मिल गया है। यहाँ पर देख सकते हो भी प्रोविजन्स ऑफ ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम इन झोलारपेटियाई, ठीक है, झोलारपेटियाई जंक्शन के अंदर आप लोग देखोगे जो ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम है वो यहाँ पर कंपनी लगाएगी, ठीक है, और 12 महीने में जो ये ऑर्डर है कंप्लीट करेगी। और इसका जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट रहने वाला भी वह 239,95,615 रुपये का। तो ये अपडेट आई, इस अपडेट के बाद स्टॉक बिल्कुल हमें कल दिन पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हुए नजर आ सकता है अगर मार्केट में ठीक ठाक माहौल बनता है उस कंडीशन। और बाकी वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लेना।
तो यहाँ पर आप लोग देखो भी अभी टाइम जो ओरिजिनल के अंदर में सपोर्ट देखने को मिल सकता है 248 के आसपास, स्टॉक आज नीचे भी आया 250 के आसपास, वहाँ से स्टॉक में रिकवरी बनी है, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन बड़ी गिरावट हमें स्टॉक में जरूर देखने मिली। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से स्टॉक में रिकवरी आए, इस न्यूज़ के बाद जो स्टॉक है वो 260 रुपये प्लस निकलते हुए नजर आए, यही उम्मीद, और बाकी देखते भी स्टॉक के ऊपर कैसा असर रहता है। अगर 248 टूटा तो नीचे में फिर 220 रुपये तक के मूव आने की संभावना बन सकती है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा अभी इसके अंदर 248 का। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, और इस न्यूज़ के बाद एक पॉजिटिव असर आना चाहिए, और बाकी मार्केट किस वे में लेता है इसको वो कल पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।